हे गाइस, इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, वो है एलबीएस यादव के बारे में। तो एलबीएस यादव की रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हो गई है। तो बेसिकली हुआ क्या था, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। तो कोई दो लोग आते हैं गाड़ी से उतरकर एंड रोड के बगल में पब्लिक प्लेस पे जो जी समेट के लिए गमले रखे होते हैं उनको चुरा ले जाते हैं, जिसके बाद काफी सारे लोग ये ट्वीट करने लग गए थे कि ये एलबीएस यादव की गाड़ी है, क्योंकि उस गाड़ी के नंबर प्लेट पे जो नंबर लिखे होते हैं ना, ऐसी सेम गाड़ी एक बार एलबीएस यादव के मीटअप में देखी गई थी जिसमें वे मीटअप के लिए बैठ के आए थे। तो इन सब के बाद काफी सारे लोग उनको ट्रोल करने लग गए थे कि एलबीएस यादव गमला चोर है, उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी गमले चुराए हैं, जबकि इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि वो जो गाड़ी थी उनके किसी फ्रेंड की गाड़ी थी जिसे वो सिर्फ मीटअप के लिए यूज किए थे। एंड वो जो गाड़ी है वो मनमोहन यादव के नाम से है, जिसे अभी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो इन सब के बाद खुद पुलिस का रिएक्शन भी इस पे आ चुका है। तो इसके बारे में वो क्या कही आप देखिए। सर, इसमें एलबीएस यादव का नाम आ रहा है कि एलबीएस यादव भी इस पूरी घटना में शामिल था क्या? एलबीएस यादव जो कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है वो इस गाड़ी में शामिल था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये मनमोहन है जिनकी गाड़ी है, इनका जो लड़का है उसका वो दोस्त है, तो उसने कभी इनकी गाड़ी यूज की होगी अपने यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, अदरवाइज उसका यहाँ कोई रहा। यानी एलबीएस यादव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें? नहीं, इसमें। ठीक है सर, थैंक यू। तो इन सब के बाद एक जर्नलिस्ट है उत्कर्ष सिंह करके, वे एलबीएस यादव को चैलेंज किए लाइव इंटरव्यू देने के लिए, जिसके बाद एलबीएस यादव वो इंटरव्यू देने गए एंड कॉल किए उत्कर्ष सिंह को। तो इसको लेकर वे अपने रीसेंट ब्लॉग में बात किए, वो वाली क्लिप में आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ, आप देखिए। क्या चीज? मैंने वही तो बोला कि तुम्हारा अभी तक ढंग के किसी आदमी से पाला नहीं। अच्छा, मेरा ढंग के आदमी से पाला नहीं पड़ा? तुम हो ना ढंग के आदमी हो ना, तुमसे पड़ जाएगा अभी, ठीक है? हाँ, तो गाली मत दो। अरे यार देख, एक बात में बार बार तो घसीटे मत ना, एक माँ बाप ने ही सिखाया। सभी से बात करो लोगों से, गुस्सा दुआ रहा ना। तुम इंटरव्यू लेना है तूने? अरे सुन ओ पागल, इंटरव्यू लेना तेने? इतनी देर होगी तेरे तमीज से बात करते करते, इंटरव्यू लेना हाँ या नहीं? बात खत्म वहीं पे। लेना है, लेना है भाई, तू भाग रहा है। अरे ओ, लेना इंटरव्यू नहीं लेना? तेरे बाप के नौकर नहीं लग रहे हैं? सारे टाइम हांडते रहेंगे जो खुले। अरे तो तेरे इतनी देर वेट थोड़ी करूंगा, निकल लिया मैं अपने काम को। हाँ तेरते तो भागेंगे हम, यही तो दिन आ गए हमारे। तुम जैसे टट पूंजे तो भागेंगे हम, मेरे जैसे गिनते तुम जैसे बेवकूफों से भागेंगे जो हम, यही तो टाइम आ गया मेरा। अरे एलबीएस यादव, तुमको जासू को पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे सिखा दो भाई मैं क्या कर रहा हूँ। भाई बता तो रहा हूँ यार, तुमको पता ही नहीं है भाई। यार देख, तू पर्सनल, मेरे को तेरे से पर्सनली बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। देख, मेरे को तेरे में इंटरेस्ट नहीं है मड़ा सा, अभी तेरे को इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू लेना है? हाँ बाहर एक दुनिया है, कोई बात नहीं। अरे यार, तो इसको फालतू में एंटरटेन कर रहा हूँ मैं, इस बेवकूफ के बच्चे को इंटरव्यू तो लेना है नहीं, इसको फालतू में एंटरटेन कर रहे हैं। इंटरव्यू लेना है हाँ या ना, लास्ट बार पूछ रहा हूँ। चल साढ़े उल्लू का पट्टा, दिमाग खराब कर रहा है बेवकूफ ना मेरा। इतना सारा पत्रकार कौन बना दे, कई सेल्फ क्लेम्ड पत्रकार हुए, इंटरव्यू लेना है ये करना है, मगर आ जाओ इंटरव्यू लेना। मैं 23 मिनट देखा इतना, अपने फरीदाबाद में मीटअप निपटा का आऊंगा शाम। इन सब के बाद उत्कर्ष सिंह भी अपने ट्विटर पर एक कॉल रिकॉर्डिंग अपलोड किए, जिसमें उन दोनों भी जो भी बात हुई इस चीज को शेयर किए। अगर आपको देखनी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में मेरे कमेंट में अपनी राय जरूर से बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।